मॉर्निंग दोस्तों, हमारे आपके बीच में जब हम लोग पिछले क्लास में शुरू किए थे तो वहाँ पर बायोस्टैटिक्स के क्लास को कवर कर रहे थे। अगर आपको याद होगा तो बायोस्टैटिक्स के क्लास में हम लोग मेन तो पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लिए थे, फिर हम लोग मीडियन कवर करना शुरू किए थे। ठीक है, मेन जो था हम लोग पूरे अच्छे तरीके से कवर करते हुए हम लोग क्या शुरू किए थे, मीडियन को कवर करना शुरू किए थे। ठीक है, और अगर आपको याद होगा तो मीडियन के बहुत सारे कंसेप्ट जो थे हम कवर कर चुके थे, और उसमें हम लोग सॉल्व करना शुरू किए थे कि अगर मीडियन हमारे पास दिया जाए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मीडियन कैलकुलेट करने का हम लोग सिंपल मेथड सीख रहे थे। अगर आपको याद होगा, क्यों आपको बोर्ड क्लियर नहीं रह रहा, ठीक, तो हमने कहा था कि मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन से मेथड अपनाएंगे। इसमें हमने कहा कि अगर मीडियन निकालने के लिए हमारे पास दो सिंपल फॉर्मूला था। पहला फॉर्मूला क्या था, हम लोग को दो बातों पर ध्यान देना था। पहली बात यह था कि दिए गए डाटा में हमारे पास जो वैल्यू है, जो मीडियन वैल्यू है, वो इवन नंबर में है कि ऑड नंबर में है। ठीक है, अगर इवन नंबर में है तो उसके लिए फॉर्मूला निकालते हैं कि एन बाई टू टर्म और प्लस एन बाई टू प्लस वन टर्म अपॉन में टू, ये होता है आपका इवन नंबर के लिए। और ऑड नंबर के लिए क्या होता है, एन बाई एन प्लस वन बाई टू टर्म, ये होता है जन सिंपल तरीके से। दूसरा तरीका हमने क्या कहा, कहा कि अगर फ्रीक्वेंसी दिया जाता है तो आप क्या करना कि फ्रीक्वेंसी को आपस में जोड़ देना। जो भी फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा उस फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को क्या करना, आपस में जोड़ देना, और जोड़ने के बाद जो आपको मिलेगा डाटा वह हमारे पास क्या कहलाएगा, जो फ्रीक्वेंसी को ऐड करने के बाद जो डाटा मिलेगा उसके बाद वहां से आप टर्म निकालना, और टर्म निकाल कर और फिर क्या करना, आप nth टर्म वहां से कैलकुलेट कर लेना और कैलकुलेट करके फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग जो है पीछे के क्लास में कवर कर चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि अगर जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी गई है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास अगर मीडियन निकालना हो जिसमें डाटा जो है बड़े बड़े डाटा हो, ध्यान रखेंगे अब की जो मीडियन निकालने की जो डाटा है वह हमारे पास क्या है, बड़े बड़े डाटा है। ठीक है, छोटे डाटा तो हम लोग कैलकुलेट करते ही करते थे, अब जो हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं वह आपके कैसे डाटा है, बड़े बड़े डाटा है। जैसे मान लीजिए कि आप एक काम करिए, हेडिंग डालिए कंटिन्यूअस सीरीज, हेडिंग डालिए कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, अब कंटिन्यूअस सीरीज है तो इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका होगा, करें शुरू करें। देखो बेटा, इसमें अगर कोई भी डाटा हमारे पास देगा तो ध्यान रखेंगे ऐसे कंटिन्यूअस सीरीज में कैलकुलेट करते समय हमें छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना होगा। ठीक है, जो भी टर्म हमको देना होगा उसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे कि एक लोअर लिमिट तैयार करोगे। पहले क्या करोगे, एक लोअर लिमिट जो हमारे पास डाटा होगा उसको आप तैयार करोगे। ठीक है, जो मीडियन का लोअर लिमिट होगा उसको आप ध्यान में रखेंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या होगा कि इसमें एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लेना होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितना रेंज है, हम फ्रीक्वेंसी एक नया टर्म नहीं है, जो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है जैसे हम लोग कहते हैं आगे चलकर कॉमन टर्म भी नाम देते हैं हम लोग, कि कॉमन टर्म जो है हम लोग क्या करते देखते हैं कि दो क्लास इंटरवल के बीच में कितने का गैप हो रहा है, इसे कहते हैं हम लोग कॉमन टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, एक फॉर्मूला निकालेंगे कंटिन्यूअस सीरीज का, एम इज इक्वल टू लोअर एल। ठीक है, तो एल वन लोअर लिमिट ऑफ क्लास इन द मीडियन लाइन,
ठीक है, तो एल वन और प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन में एफ एम इंटू एच। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कंटिन्यूअस सीरीज का, एम मीडियन इजकल टू एल वन प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ एम इंटू कितना एच। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला। अब इसको हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। इसको जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हम लोग को क्या पता चलेगा कि जो फॉर्मूला हम दिए हैं सही है कि गलत है, किस तरह से इसको यूज करता है। पहले इसको क्या करते हैं हम लोग, इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। चलो एक क्वेश्चन, हाँ एक काम करना, लिख लो कौन कौन सी वैल्यू क्या है। L1 लिखो, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इन विच मीडियन लाइज, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इन विच मीडियन लाइज, ध्यान रखेंगे ठीक है, जिसका हम लोग मीडियन निकालना होगा उसका क्या लेंगे हम, लोअर लिमिट लेंगे। ठीक है, एन क्या है, टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना हमारे पास टोटल नंबर निकल रहा है उसका ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, सी क्या है, कॉमन फैक्टर, या कह सकते हैं कॉमन फैक्टर या क्यूमुलेटिव फैक्टर, या कॉमन फैक्टर ज्यादातर हम लोग पढ़ते हैं कॉमन फैक्टर। एफ एम क्या है, फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखेंगे एफ एम है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन, एफ एम क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन। ठीक है, सी को कहते हैं हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी याद रखो सबसे अच्छा रहेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास मीडियन क्लास है उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्लियर हो गया। अब यहां से क्या करते हैं हम, कैलकुलेट करना, एक क्वेश्चन आपको देते हैं आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम आपको क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, लेंथ ऑफ 50 फीसेस, 50 मछलियों का हम आपको लेंथ दे देते हैं, लेंथ ऑफ 50 फीसेस प्रेजेंट इन फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहां पर आप ले लो लेंथ ऑफ फीस। ठीक है, आप चाहो तो चलो इसको लिख लो आप 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, और यहां पे काम करो फ्रीक्वेंसी ले लो, ले लो ये ले लो 4, ले लो 15, 3, 8, 12, 3 और 5। ठीक है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, है ज्यादा हो गया क्या, 10, 20, 20, 30, 10, 0, 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 4, 15, 50, बढ़ा दे क्या, एक बार रुक जा, हुआ क्या है आज, टोटल हमारे पास नंबर ऑफ फीसेस की संख्या 50 होनी चाहिए। ठीक है, तो एक काम करो लेंथ ऑफ फीस ले लो और यहां पे ले लो आप फ्रीक्वेंसी को 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। ठीक है, ले लो 4 और 15, 4, 19, 19 और 3, 22, 22 और 8, 30, 30 और 12, 42, 42 और 3, 45 और 5, 50। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ फीस जो होना चाहिए वो 50 है।
ये लेंथ क्या है 10, ये ध्यान रखेंगे ये आपका सेंटीमीटर में है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमको मिल गया। अब एक काम करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है अब इसमें निकालो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ठीक है। अब देखो बेटा, एक टर्म हम जो निकालते हैं ना, जो हमारे पास ये कॉमन फ्रीक्वेंसी या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी इसको कहा जाता है, जहां तक टर्म क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ही निकाला जाता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज जो है, अब आप हम कर एक एक करके इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करें, आपको याद होगा कि हम लोग पिछले क्लास में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए एक तरीका आपको हम बताए थे, कैसे बताए थे, जो फ्रीक्वेंसी है जोड़ते जाओ, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, ऐड करते जाओ, ठीक है। यहां चार है तो चार, चार में 15 जोड़ो 19, 19 में 3 22, 22 में 8 30, 30 12 42, 42 3 45, 45 5 50। ये निकल गया हमारे पास एक कॉमन फ्रीक्वेंसी या सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास तो निकल गया, ठीक। अब जरा एक चीज बताओ, जो भी हम लोग एक वैल्यू निकाल कर लेकर आए, ठीक, अब यहां पे जितना भी वैल्यू हम लोग को निकल कर आता है, तो इसको आप एक काम करो, सबसे पहले इनको जो हम सम किए, जो हमारे पास कॉमन फ्रीक्वेंसी हुआ या सम फ्रीक्वेंसी हुआ, ये हम लोग यहां से निकाल लिए, ठीक है। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो क्लास इंटरवल के बेसिस पर भी हम निकालते हैं, कैसे निकालते भी आगे आपको बताते हैं। अब यहां से सबसे पहले आप एम निकालो। एम निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि टर्म देखेंगे, सबसे पहला चीज क्या है कि ये इवन नंबर में है कि ऑड नंबर में है, ठीक है। तो चूंकि टोटल फैक्टर हमारे पास है, टोटल नंबर ऑफ एन जो है, एफ जो है वो 50 है, ठीक है। तो टोटल सम कितना है, एफ जो है वो 50 है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास मिल गया इवन नंबर में, ठीक है। अब यहां पे जो 50 है, तो सबसे पहले आप इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहले आप एक काम करो, यहां से जनरल मीडियन निकालोगे तो कितना होगा, एन प्लस वन अपॉन में 12th टर्म, ठीक है। कैसे निकालेंगे, क्यों आप लिए, तो यहां 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये वैल्यू कितने में है, ऑड नंबर में है, किसमें है, ऑड नंबर में है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहला काम किए कि हम जनरल टर्म निकालेंगे, जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कि अगर इवन नंबर में होता तो एन बाई टू प्लस एन बाई टू प्लस वन टर्म अपॉन में टू, इवन नंबर के लिए। अगर ऑड नंबर में है तो क्या करेंगे, ऑड नंबर के लिए क्या करते हैं, गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। अगर ऑड नंबर में है तो क्या करेंगे, एन बाई वन प्लस टू टर्म कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज, ये हो जाएंगे आपके ऑड नंबर के लिए, ठीक है। अब एन की वैल्यू कितना दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो हमारे पास क्या है, नंबर है, ठीक है। अब यहां पे जो n होता है, अगर आपको याद होगा, अगर पीछे का लेक्चर आप देखे होंगे, तो हमने n बराबर क्या बताया था, n बराबर बताया था f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 fn, शायद आपको पीछे की क्लास, अगर कल ही की क्लास में हमने बताया था, ठीक है, कि n जो लेना है टोटल फ्रीक्वेंसी को लेकर चलो, तो कितना आएगा यहां से, 50 प्लस 1 बाई 2 51, ये टर्म है या आइटम बोलते हैं इसको, तो कितना 51 अपॉन 12th आइटम, इसको निकालोगे तो क्या 55 पॉइंट, ये जो है 25.5, ये 25.5। अब यहां काम करोगे, अब देखोगे बेटा, ध्यान रखेंगे, अब देखेंगे कि इसके करस्पॉन्डिंग, ध्यान रखेंगे, हम आपसे पहले बता देने कि ये टॉपिक डिफिकल्ट टॉपिक है, मीडियन एक डिफिकल्ट टॉपिक है, ठीक है।
मोड और मीडियन, अभी तक तो हम लॉलीपॉप पढ़ रहे थे, अब हम आए हैं करेले की तरफ, ठीक है। और जानते हैं ना करेले कड़वा होता है पर स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। तो पहले हम आपको बता दें कि मैथ है ये, बायोलॉजी का मैथ है, आसान नहीं होगा, ध्यान से पढ़ेंगे समझ में आएगा, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो पल्ले नहीं पड़ेगा, इसलिए आपको रिपीट रिपीट करके वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। पहली चीज, कॉलेज वाले कैसे पढ़ाते हैं ये बात आपको भी पता है, वो आएंगे उड़ा के चले जाएंगे, तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर और पढ़ाई करना होगा, ठीक है। चले यहां से आगे, बात समझ में आ रही है ना, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना, जितने लोग हैं ऑनलाइन आप देख के बताओ, कोई डाउट है यहां तक, यहां तक किसी कोई डाउट है तो किसके आगे बढ़े हम फटाक से। अब देखो जो इसके बाद हम आगे की तरफ अगर बढ़ें, अब देखो तो यहां से अब इसमें क्या करना है कि 25.5th टर्म है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि आपको जो आइटम लेना है, अब आपको कंसेप्ट ध्यान रखना होगा, जो भी हमें टर्म लेना है, अब इसमें से गौर से देखो कि जो क्यूमुलेटिव जो कॉमन फ्रीक्वेंसी हम निकाले हो उसमें से कोई ऐसा डाटा देखो जिसकी वैल्यू इसके कैरेस्पॉन्डिंग हो। आई बात समझ में, सबसे पहले आप इसमें कॉम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे और फिर इसके बाद आप क्या करेंगे कि जो आप इवन नंबर में हो या ऑड नंबर में उससे आप टर्म निकालोगे। टर्म अभी जो ये 25th टर्म मिला यहां पर आए तो ये 30। अब देखो बेटा ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी मिला, ठीक है, यही जो है लोअर, अब यहां से अब ध्यान रखो, अब यहां से ये जो है ना फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन जो हम लोग FM कहते हैं, ठीक है। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अब इसके बाद समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म तरह भाग रहे हैं, अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई टॉपिक निकल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैसे होगा, ये जो 30 है 30 का फ्रीक्वेंसी कितना निकला है 8, ये जो 8 है ना ये कहलाएगा आपका FM, क्लियर हुआ। जो 30 है 30 क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि 25 से इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो इसका FM कौन हुआ, इसका फ्रीक्वेंसी ये हुआ FM, ठीक है। अब इसके बाद इसके आगे अब इसमें क्या है L1 लोअर लिमिट, देखो जो लोअर लिमिट ऑफ जो हमारे पास मीडियन का जो क्लास इंटरवल होगा उसका ये लोअर लिमिट है, यानी कि L1 ये है, जो L है ना ये है आपका 30 लोअर लिमिट, ठीक है। N आपको पता है ऑलरेडी कितना है आपका, वो आपको पता है। C जो है अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके बाद देखो FM क्या हो गया हमारे पास, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो टोटल F है, ठीक है, सम ऑफ F की वैल्यू आपको पता है कि 50 है, ठीक। अब एक काम करो, चले यहां से आगे। अब इसके बाद आपको एक टर्म और ढूंढना है, वो है आपका H। H क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग क्लास इंटरवल की हाइट, मतलब कितनी हाइट है, 10 30 से 30 20 से 30 10 से 20 0 से 10 कितने का है 10, मतलब अगर हम देखें तो हाइट कितना है, यानी कि जो गैप है देख लो 10 20 से 20 20 से 30, ये जो गैप है वो कितने का गैप है, यहां पर 10 का गैप है, तो यहां इसकी हाइट कहला जाएगी, ठीक है। तो हाइट भी मिल गया हमारे पास, टोटल क्या मिल गया, F भी मिल गया,
यानी n भी मिल गया, f भी मिल गया, L1 भी मिल गया। अब बस आपको एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हम कितना इंटरवल का ध्यान रखेंगे, इसका क्लास इंटरवल का हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकाले कैसे। देखो हमारे रात के 12 बज गए, अलार्म बजना शुरू हो गया। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकाले तो कैसे निकाले। जल्दी लाओ, ऑनलाइन आ जाइए आप लोग। सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, थोड़ा सा नेटवर्क इशू के चलते दिक्कत हुआ। जल्दी से ऑनलाइन आइए आप लोग सभी लोग। ठीक है, तो अभी काम करेंगे। अब देखो बेटा हमारे पास क्या क्या मिल गया, जल्दी जल्दी आइए ऑनलाइन। ठीक है, थोड़ा सा अब आपको हम बताते हैं, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन और कराएंगे, इस पर चिंता मत करिए। एक क्लास थोड़ा सा बड़ा करेंगे, आप अच्छे से परेशान ना हो। तो इसमें देखो जो सी निकलता है ना, जो इसकी फ्रीक्वेंसी दी जाती है ना, जो यहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसके ठीक पहले वाली फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी हम लोग को दिया गया है इसके ठीक पहले वाले को। अब देखो तुम्हारे क्वेश्चन में सब कुछ दे दिए हम, L1 दे दिए, कितना है आपका 30, ठीक है, N कितना है 50, ठीक है, C कितना है कॉमन फ्रीक्वेंसी, कितना हमारे पास गैप, C कितना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कितना आ गया आपका 22, ठीक है, हाइट कितना है, एच कितना है 10, एच कितना है 10, ठीक है। अब इसके बाद एफ एम कितना है 8, कुछ बचा। अब जब इतना हो गया तो क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं? क्या आप इसको इतना भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं। क्या चीज है, एम इजिकल टू कितना 30 और प्लस 50/2 और माइनस सी कितना 22 और बटे में कितना एफ एम कितना है, एफ एम कितना है यहां पर 8 और इनटू कितना 10, इसको क्या कर लेना सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये है आपका सॉल्व करने का कंपेयरिंग मेथड, जो हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज होता है इसको सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये तरीका आप याद रखेंगे। ठीक, हम इस पर एक क्वेश्चन और करा देते हैं ताकि अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो आप आसानी से, पहले आप जो क्वेश्चन दे रहे हैं उस क्वेश्चन को आप खुद से पहले करेंगे, फिर उसके बाद हाँ इसको सॉल्व जरूर करके हमको आंसर बता दीजिएगा कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, अब जो हम आपको देने, अरे फॉर्मूला क्यों मिटा दिया है, चलिए कोई बात नहीं। तो हम अब आपको कंटिन्यूअस सीरीज का अगला क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ठीक है, सपोज करिए कि 50 प्लांट दिया गया है, लेंथ ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, लेंथ ऑफ 50 प्लांट्स प्लांट्स वाज रिकॉर्डेड प्लांट्स वाज रिकॉर्डेड
plants was recorded and represented in following data and represented in following data. ठीक है, अब उसके बाद following data या distribution, then calculate frequency distribution, then calculate frequency distribution. ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम बनाते हैं. यहां दे देते हैं लेंथ ऑफ प्लांट, सेंटीमीटर में लेंथ देते हैं. ठीक है, या आप चाहो तो मीटर में भी दे सकते हो, सेंटीमीटर में भी दे सकते हो. ठीक, 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70. ठीक है, और दे दे 71 से 80. ठीक है, ये लेंथ ऑफ प्लांट दे दिए. मैक्सिमम प्लांट की लंबाई जो है वो 80 मीटर की है या सेंटीमीटर की. अब सेंटीमीटर छोटा हो जाएगा, 80 मीटर बड़ा भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, चलो अपने हिसाब से ले लो. ठीक है, अब यहां पर हम इसकी फ्रीक्वेंसी दे देते हैं. टोटल प्लांट है 50, तो पूरे डाटा को 50 भाग में ही बांटना है, 6, 8, 8, 14 और 11, 25. ठीक है, 25 और 12, 37, 37 और 12, कितना हो गया, 37 अब 12, क्या हो गया, 37 अब 12, 7, 52 हो गया, तो भाग गया, ज्यादा हो गया, 814, 14, 11, 25, 30, 25, 12, 37. इसको काम करो, थोड़ा सा छोटा मोटा करो, सो ले लो आप 10, 8, 6, 14, 14, 10, 24, 24 से 25 और 12, 25 और 9, 25 9, 34, 10, 44, 4, 48, 8, 2, 50. जोड़ लो, सही है, इसको आप कितना हो गया, 8 से 14, 14 और 11, कितना हो गया आपका, 8 से 14, 15, 15 और 9, 26, 15, 9, 24, 4, 28, 2, 30, 40, 50. ठीक है, ठीक है, इस तरह से आपको 50 प्लांट्स हम दे दिए. अब एक काम करना है, इसको आपकी फ्रीक्वेंसी पहले अपने से कैलकुलेट करो, सब हम ही कैलकुलेट करें, करो अपने से कैलकुलेट. अपने से पहले इसका एक काम करो, सबसे पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो. कैसे निकलेगा, 6, 8, 14 जोड़ते जाते हैं, 14, 11, 25, 25, 9, 34, 34, 10, 44, 4, 48, 2, 50. ठीक है, यहां तक समझ में आया कहानी. अब क्या करेंगे, यहां से ध्यान रखेंगे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, यहां पे जो हमारे पास टर्म है, सबसे पहले हम जनरल मीडियन निकालेंगे. जनरल मीडियन निकालने का क्या तरीका होगा, ठीक है, जनरल मीडियन आप एक काम करोगे, जनरल मीडियन निकालोगे, n इक्वल टू क्या, यहां पर ध्यान रखेंगे, टोटल समेशन ऑफ f. ठीक है, तो कितना हमारे पास आ गया, 50. ठीक है, m निकालेंगे, n+1/12 टर्म, एकदम सिंपल, हमेशा m आप ऐसे ही निकालोगे, m+1, n+1/12 टर्म. ठीक है, सिंपल तरीका से, क्लियर हो गया.
अब जो हमारे पास n प्लस वन निकल गया, कैसे निकालोगे? n की वैल्यू कितना है? 50 प्लस वन अपॉन में टू, 51 बटे में दो आइटम से ये, यानी कि 25.5 फिफ्थ आइटम। मतलब आप फिर से देखो किसकी वैल्यू ध्यान रखेंगे, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो यहां पे 25.5, यहां 25 है, मतलब ये डाटा जो होगा इसकी इंपॉर्टेंट डाटा आ गई। क्या होगा? इसकी इंपॉर्टेंट डाटा आ गई, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? m इज इक्वल टू एल वन प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन में कितना एफ एम इंटू एच, ठीक है। ये हो गया एफ एम माइनस एच। अब देखो एल वन क्या होगा? इसकी लोअर लिमिट, इसका कितना लोअर लिमिट है? 31, ठीक है। लोअर लिमिट कितना है? 31। एन कितना है? 50। सी कितना है? जो फ्रीक्वेंसी मान है उसके ठीक ऊपर वाला, यानी कि 25, ठीक है। एच कितना है? दो के बीच की गैप कितना है? 31 से 40 के मतलब क्या? 9 नहीं, ध्यान रखेंगे 31 40 के मतलब 9 नहीं होता है, क्योंकि 31 से है तो 31 को लेकर काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां 30 कंप्लीट हो रहा है, तो 31 से 40 जाओगे तो यहां पर एच की कितनी हो जाएगी? 10, ठीक है। अब क्या मिल गया आपका? बच गया एफ एम, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 9। क्या आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे? नहीं निकल पाएगा आपसे? अब इतना सिंपल तरीका तो है, अब क्या निकाल लेंगे यहां से? m इज इक्वल टू l की वैल्यू क्या रखोगे? 31 प्लस 50 बटा 2 माइनस c कितना? 25, और बटे में कितना? fm कितना हो गया? 9, और इंटू हाइट कितना? 10। ये तो क्या बात है, इसका आंसर कितना आ गया? 31। क्यों? 25, ये 25 हो जाएगा, 25 में से 25 गया 0, 0 बटा 9 इक्वल टू 0 गुणे 10 इक्वल टू 0, एम आ गया 31। तो ये आ गया मीडियन। तो इस तरह से आप बहुत सिंपल तरीके से मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप घर पे बैठ के करना। क्वेश्चन लिखो, द मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट, या एक काम करो इसमें बढ़ा देते हैं, द मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट, द मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट इज गिवन देन कैलकुलेट median of the, then calculate median of the marks of the students, ठीक है। हम marks देते हैं, ध्यान रखेंगे ये है marks of students, ये है आपका 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लो, इसमें है 60 है टोटल ना, 10, 15, 25, 5, 30, 30, 8, 28, 3, 31, 4, 35, 10, 45, 5, 50, 5, 5, 10, 3, 13, 13, 8, 21, 4, 25, 5, 30 का हासिल, 3, 4, 1, 5, 1, 6, ज्यादा हो गया, 5, 5, 10, 3, 15, 15, 5, 5, 10, 3, 13, 5, 18, 4, 22, क्या हो रहा है भैया? 5, 5, 10, 3, 13 और 8,
इक्कीस चार पच्चीस पाँच तीस, तीन चार पाँच छ सात, इसको पाँच कर लो। ठीक है, 60 स्टूडेंट हमारे पास दिए गए हैं और इनका मार्क्स का इंटरवल दे दिया गया। ध्यान रखिएगा 50 होना चाहिए, 10 5 15 5 20, 20 10 30, 30 10 40 से 41 से 4 45 5 50 10 60। ठीक है, ठीक है। अब इसका आप क्या करना, हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके आंसर बताना, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कितना इसका आंसर होगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे ना। चलिए अब लास्ट में डालिए मेरिट्स ऑफ मीडियन, क्योंकि एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेरिट्स ऑफ मीडियन एंड डीमेरिट्स ऑफ मीडियन। देखो मेरिट ऑफ मीडियन लिखो, इट पहला पॉइंट में लिखो, इट इज इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, इट इज इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, इट इज इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड। दूसरे पॉइंट में लिखो, इट फाउंड डायरेक्टली, इफ फाउंड डायरेक्टली, डायरेक्टली इट्स रिप्रेजेंट एन एक्चुअल आइटम्स, एक्चुअल आइटम। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, इट इज वेल डिफाइंड एज एन आइडियल एवरेज शुड बी, इट इज वेल डिफाइंड एज एन आइडियल एवरेज शुड बी एंड इट इंडिकेट द वैल्यू ऑफ आइटम इन डिस्ट्रीब्यूशन, वैल्यू ऑफ आइटम इन डिस्ट्रीब्यूशन। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में, इट इज नॉट अफेक्टेड बाई, नॉट अफेक्टेड बाई एक्सट्रेम वैल्यू, एक्सट्रेम वैल्यू। हो गया। नेक्स्ट लिख लीजिए, इन द केस ऑफ ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन द केस ऑफ ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज स्पेशली यूजफुल, इट इज स्पेशली यूजफुल सिंस, सिंस ओनली द पॉसिबल इन नॉन, इट इज यूजफुल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इट इज यूजफुल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनइक्वल क्लास, अनइक्वल क्लास। ठीक है, अब लिख लो डिमेरिट्स, डिमेरिट्स लिखो, इट मे नॉट रिपीटेड, इट मे नॉट रिपीटेड व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन इज इरेगुलर, व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन इज इरेगुलर। हो गया। नेक्स्ट लिखो, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज। नेक्स्ट लिखो, इट कैन नॉट लोकेटेड विथ प्रीसियस, इट इज नॉट लोकेटेड विथ प्रीसियस व्हेन द आइटम आर ग्रुप्ड, व्हेन द आइटम्स आर ग्रुप्ड। हो गया। नेक्स्ट लिखिए, इट कैन नॉट गिवेन फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, इट कैन नॉट गिवेन फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। हो गया। नेक्स्ट लिखिए, इट इज अफेक्टेड बाय फ्लैक्चुएशन बाय सैम्पलिंग, इट इज अफेक्टेड बाय फ्लैक्चुएशन बाय सैम्पलिंग। हो गया। और लास्ट लिख लो, इंटरपोलेशन बाय अ फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, कैलकुलेट इन मीडियन, मीडियन कंटिन्यूअस सीरीज,
थोड़ा लास्ट में हम थोड़ा फास्ट बोल के लिखवाए, आप थोड़ा वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, तो आपको पूरे क्लास की समरी बता दें कि आपको मीडियन कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कंटिन्यूअस मीडियन कैलकुलेट करना। आप मीडियन का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यही है, कंटिन्यूअस मीडियन कैलकुलेट करना। ठीक है, इस वीडियो में थोड़ा सा बीच में रुक गया था क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया था, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ गई, तो इसके लिए हम सॉरी। इसके बाद जो हम अगला क्लास मिलेगा उसमें हम सीखेंगे मोड के बारे में। ठीक है, मीडियन की टॉपिक यहीं पर ख़त्म हो गई, कल से जब हम लोग मिलेंगे तो वहाँ सीखेंगे हम लोग मोड के बारे में। ठीक है, तो मीन ख़त्म हो गया, मीडियन ख़त्म हो गया, कल से शुरू करेंगे हम लोग मोड। ठीक है, और मोड के बाद हमारे आपके बीच में शुरू होगा मीन, मीडियन और मोड के बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में तीनों पोर्शन के क्वेश्चन को करा देंगे। ठीक, चलिए आज इतना ही, बाकी हमें अगले क्लास में कैसा लगा वीडियो, ठीक है, बीच में डिस्टर्बेंस के लिए हम सॉरी। फिर भी ऑल ऑफ मतलब कि फाइनली कैसा लगा आप जरूर इसको बताइएगा, और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, अगर चाहे तो ऑनलाइन क्लास आराम से रात को करीब करीब वहीं 8:30-9 बजे करीब शुरू होता है, आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय।